Administrative incompetence of Gilgit-Baltistan government has once again been exposed as people in this illegally occupied region are facing severe problems due to the discriminatory and unprofessional conduct of the authorities amid a growing pandemic of COVID-19. While one section of society is brazenly disregarding the social distancing and other mandatory lockdown norms, small businessmen and daily wagers are being tackled with an iron fist. A local committee of businessmen accused that law enforcement agencies had deliberately ignored the regular assemblies of mass prayers while ensuring massive losses to small businessmen. अब बच्चे जो है जाओ लड्डू खेल रहे हैं, 20-20 बंदे बैठ के लड्डू खेल रहे हैं, कोई खेतों में क्या कर रहा है, कोई खेतों में क्या कर रहा है। हमारा तो ये एक ताजिर अपना जो है ना मांस बेच के दुकान में बैठा होता है, एक ग्राहक आता है, उसको बंद कर दें, क्या जरूरत है। अब मस्जिदों में जाओ, सब नमाजें पढ़ रहे हैं, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनके तकरीर सारी हो रही है, लेकिन सिर्फ उस ताजिर के पास एक ग्राहक आता है, वो ताजिर भी अकेला दुकान में बैठता है। इन सब चीजों को बंद कराने की क्या तुक बनता है। Businessmen say while all their revenue generating activities have closed, an additional set of responsibilities has come their way. They also have to look after the laborers and helpers working for them. या तो लोग हमारे जो है ना इतने पैसे वाले ने, यहाँ कोई कारखाना फैक्ट्रिया ने, छोटी छोटी दुकानें, और वो दुकानदार अपने ऐसे दुकानदार कोई एक मजदूर रखा है, किसी ने दो मजदूर रखा है, किसी के पास तीन मजदूर है। अब इस वक्त उन मजदूरों का खर्चा भी वही ताजिर बर्दाश्त करता है, दुकान का किराया भी वही बर्दाश्त करता है, बस का तो मकान का भी किराया वो खुद बर्दाश्त कर रहा है, बिजली का बिल भी दे रहा है, टेलीफोन मोबाइल सारी चीजें, और बच्चों का फीस, ये सारी चीजें हम उसी दुकान से कमा के इनको दे रहे होते हैं। तो अब दुकान बंद हुआ तो ये सारी चीजें हम कहां से दे रहे हैं। Women activists have urged the government to waive off their loans as the situation has become grim amid the lockdown. There are no earnings and the interest on loans they acquired for their businesses are increasing every day. जितने भी हमारे खवातीन ने कारोबार स्टार्ट किया था, बैंक लोनिंग से ही शुरू किया था, तो हमारे रोज बरोज हमारे ऊपर बैंकिंग का लोन चढ़ रहा है, ऊपर से कारोबार बंद है। तो मेरी यही एक ही रिक्वेस्ट होगी, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी, और जो हासिब है हैसियत जो जितने भी लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप उन्हीं ऐसे लोगों का मदद करें और उनकी मुश्किल में आप उनके हाथ हाथ में हाथ दे दें, और ख़ासकर बैंकों का जो कर्ज़ा है उसके लिए हमारी ख़ास रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, मेरी अपील है। और मेरे साथ जितने भी ख़वातीन आज आप देख रहे हैं, मेरे साथ जितने भी आए हैं, उन सब की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि हमारे बैंकों का कर्जा हमारे लिए माफ कर ले। गिलगित बल्तिस्तान, एन इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2 मिलियन हैज रजिस्टर्ड 364 कोरोना केसेस। द गवर्नमेंट व्हिच टेक्स डिसीजंस एट विम्स एंड फैंसीज ऑफ इस्लामाबाद हैज नॉट बीन ऑर्डरिंग इनफ टेस्टिंग पर डे, एंड विद नेग्लिजेंट अथॉरिटीज इन प्लेस the region might witness a sudden boom in COVID-19 patients in the coming weeks.